तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री गंगानगर के गदसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गदसिंहपुर थाना के सामने किसानों का धरना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 56F में खड़ी फसल को नुकसान करने वालों पर कार्रवाई की जो किसान है वो मांग कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मूंग की फसल को अज्ञात जनों द्वारा बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। किसान द्वारा सुल्तान नायक के समर्थन में ग्रामीणों ने धरना भी लगा दिया है। और अगर बात करें SHO की, तो SHO राकेश सांखला और किसान नेताओं में वार्ता का दौर भी शुरू हो चुका है। 26 अगस्त को कार्रवाई को लेकर थाना दिया था प्रार्थना पत्र। आपको बता दें कि प्रार्थना पत्र दिया गया था थाने में, और कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित और ग्रामीणों ने धरना भी लगाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से विनोद। विनोद, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा मामला, और फिलहाल जो SHO और तमाम लोगों के बीच में वार्ता चल रही है उसको लेके क्या कुछ जानकारी? जी, बताना चाहूंगा कि ये श्री गंगानगर के गदसिंहपुर का मामला है, जहाँ 26F में जो फसल थी उसको अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कीटनाशक के जरिए नष्ट करने की कोशिश की गई, बर्बाद की गई। लेकिन उसके बाद जब जो सुल्तानाराम नायक है जिसकी फसल खराब हुई थी, बर्बाद हुई थी, उसने एक प्राथमिकता दी थी जो गदसिंहपुर थाने में, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई न होने के चलते आज धरना लगा दिया, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती अज्ञात व्यक्ति की तब तक धरना जारी रहेगा। तो फिलहाल किसानों की और क्या कुछ मांगे हैं, और जो वार्ता शुरू हो चुकी है या फिर अब उसमें या फिर अभी वार्ता में और कुछ SHO क्या कुछ कह रहे हैं, जो अधिकारी वगैरह है वो कुछ क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, SHO का कहना है कि जांच की जा रही है, और जांच के बाद ही सामने आएगा कि ये कौन व्यक्ति था जिसने नुकसान पहुंचाया है फसल को और बर्बाद करने की कोशिश की गई है। अभी इस चीज की जांच चल रही है, जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। अगर धरना जारी रहेगा तो जांच में विलंब हो सकता है, जांच में देरी हो सकती है, इसी के चलते समझाइश की कोशिश की जा रही है। और विनोद, अब ये माना जाए कि अब जो किसान हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और लगातार धरना अपना जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे जब तक कार्रवाई या फिर वार्ता सफल नहीं होती? जी बिल्कुल, ग्रामीणों की मांग है कि अभी तक कार्रवाई न होने की वजह से पीड़ित जो है किसान, उसको चाहे तो सरकार मुआवजा दे या पीड़ित के पक्ष में जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे गदसिंहपुर से, बड़ी खबर जहां पर किसानों का धरना शुरू हो चुका है, और आपको बता दें ये पूरा मामला खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने का बताया जा रहा है।